मस्त परठ नहीं बना तो कैसे बन रहा है, फूल नहीं रहा है परठा, फूल नहीं रहा है। इसका कारण है आलू, आलू सख्त सख्त रह गया, आलू ज्यादा मुलायम नहीं हुआ है। एक ही सीटी लगाया था ना, तो आलू थोड़ा सा सख्त रह गया। चाय का कलर तो एकदम बढ़िया दिख रहा है, गाढ़ा गाढ़ा हो गया है और पपड़ी भी जम गया। इसका जो टेस्ट होगा ना, तो तुमने तभी चाय डाल दी है, गोल्डन गोल्डन होएगा। कब क्यों चाहिए? क्योंकि चाय कम रह गई। कोई बात नहीं, काफ देखा है जम्बो काफ है, कितना बड़ा बड़ा और कितने पेगी कश्मीर। इतना बड़ा बड़ा कप में भर भर के कौन चाय पीता है? हे भगवान, ये देखो ये कप मेरे को देना मम्मा। ओके चलो पीते हैं चाय। यहाँ पे आलू का पराठा और गर्मा गर्म चाय, अभी हम पीते हैं चाय और ये पराठे खाते हैं। चलो बबी आ जा, पराठा रेडी। सुनीता आ गई अपनी, और सुनीता देखो प्लेट लेके आ गई है। सुनीता को पहले चाहिए, उसको जाना है फटाफट। ले आलू का पराठा और ये तेरे चाय का। ये तेरे चाय है, ठीक है। ये बॉबी का है, दो पराठा मेरे में, एक ही मैं एक ही खाऊंगी। बॉबी को दे के आती हूँ। नहीं वो सॉस चाय के साथ नहीं लेता है। कौन पीता है मम्मा? गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू देयर फैमिली व्लॉग। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज सुबह सुबह एक कप गरम गरम चाय और आलू का पराठा। तो सुबह का ब्रेकफास्ट में आज आलू का पराठा और चाय, दूध वाली चाय भी बनाया है और लीकर चाय भी बनाया है। तो मेरे ससुर जी और सासू माँ लीकर वाली चाय पीते और हम लोग दूध वाली चाय पीते हैं। सुनीता का सारा काम हो गया है और अभी हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे करके फिर आज जाना है हमें अलीपुर। भाई के भाई इनवाइट है और यहाँ पे देखो, ये देखो सुनीता रानी पराठे और मस्त वाली चाय पी के बताना। पी के बताएंगे तो कैसे पियेंगे? ना करेंगे। तो अभी हम लोग एंजॉय कर रहे हैं आलू के पराठा, और आलू के पराठा खा के बहुत सारे काम में करता हो करके फिर जाऊंगी आज अलीपुर। तो आज हम लोग लांस अलीपुर में करेंगे। तो मेरे दोनों बुआ ना कोलकाता चले जाएंगे दो तीन दिन बाद, तो इसीलिए हम सब वहाँ पे जाएंगे आज मिलने और खाना वाना खा के वहाँ से लंच करेंगे। और मेरे जो है ससुर जी सासू माँ ज़्यादा दिन नहीं रुकेंगे अब दिल्ली में, इनको भी फटाफट घर जाना है, तो इसीलिए मिलने जाऊंगी वहाँ पे, इनको भी थोड़ा घुमा के लेके आऊंगी। भाई ने बुलाया है, सबको इन्वाइट किया है, तो वहाँ जाएंगे आज। तो चलो क्या क्या शेयर कर पाते हैं देखते हैं। बहुत ज़्यादा धूप है, आई हूँ प्लॉट में केले का पत्ता लेने। मैं सभी केले के पत्ते तोड़ूंगी। ये केले का पत्ता तोड़ लिया, केले के पत्ते ले लिया हमें प्लॉट से काट के लिया है, ये लेके जाऊंगी। हद से ज़्यादा धूप है, इतना तेज धूप है। अभी आई हूँ कपड़े सुखाने साथ से। सुनीता कपड़े धो के जाती है, कभी कभी सुखा देती है कभी नहीं सुखाती है, तो आज जल्दबाजी में थी चली गई, तो सारे कपड़े अभी धूप में डालने आई हूँ। बहुत कड़क की धूप है। बाप रे बाप, इतना ज़्यादा धूप है,
फटाफट जा रही हूँ, नीचे थक गई। कपड़े सुखाते सुखाते पूरा पसीना में लथपथ हो गई, इतना कड़कती धूप है बाप रे। और जा रही हूँ नीचे, मेरे को जाके नहाना है, तैयार होना है। हम हो गए हैं रेडी, तो अभी जाएंगे अलीपुर, तो गाड़ी लेके आ रहे घर के पास, तो यहीं से ही बैठूंगी गाड़ी में। मेरे हस्बैंड गए हैं अभी गाड़ी लेने, तो यहाँ से बैठ के जाऊंगी, क्योंकि गैरेज तक ना मेरे ससुर जी या सासू माँ नहीं चल पाएंगे, तो यहीं से बैठाएंगे इनको एकदम घर के पास से। तो गाड़ी अभी आते ही हम बैठ जाएंगे। तो ये देखो मेरे सासू माँ, मैं रेडी हो गई हूँ, मेरे ससुर जी भी है रेडी, और बेटा भी जा रहा है साथ में, हम सारे ही जा रहे हैं। तो चलो वहाँ जाके मिलते हैं। रेडी हो गए, ससुर जी भी हो गए हैं रेडी। यहाँ पे दो थैला भर लिया है, प्लॉट में गई थी ना केले के पत्ता लेने, तो वो सब यहाँ पे बैग में भर लिया, ये सब लेके जाएंगे अभी। यहाँ पे घर के पास ही लेके आएंगे गाड़ी, यहीं से बैठेंगे। तो खाने का आज जो है स्पेशल मेनू है, कई आइटम बना है। तो यहाँ पे जो है फ्रॉन मलाई करी, जो चिंगड़ी मलाई करी होता है ना, कोकोनट मिल्क से बनाया जाता है। यहाँ पे सरसों इली, जो सरसों पीस के आना इसको बनाया जाता है। यहाँ पे मुड़ी घंटो है, यहाँ पे खीर है, गुड़ का खीर बहुत यम्मी दिख रहा है। यहाँ पे टॉक है जो लिक्विड है, इमली से बनाया जाता है। और यहाँ पे भगोना भर के बासमती चावल पकाया गया है। और यहाँ पे जो है मटन, तो मटन का जो लुक है वो भी बहुत ही यम्मी दिख रहा है। तो ये सब आइटम है, सब नॉन वेज आइटम ही बना है, तो हम लोग ज़्यादा नॉन वेज खाते हैं, तो नॉन वेज ही आइटम बनता है ज़्यादा। और यहाँ पे सब लोग खाने में बैठ गए हैं, देखो बड़ों से लेकर छोटों तक सब बैठ गए। लंच के टाइम में सबको भूख लग जाती है, तो सब हम लोग इस तरह से एक साथ खाते हैं। यहाँ पे जो है मेरी बहन मेरी रीता सब मिलकर सर्व कर रहे सबको खाना। यहाँ पे हमारे दोनों छुटकू इधर उधर घूम के देख रहा है कौन क्या खा रहा है, लेकिन ये दोनों कुछ नहीं खाएगा। वैसे ये दोनों ऐसे ही परेशान करते हैं, तो हमारे दोनों छुटकू हम कुछ नहीं खाते। देखो ये मेरे जो मामा का बेटा है ना बड़ा वाला, वो हमारे दीपू का फेवरेट है, तो उसके पास जाके वो खड़ा हो गया, क्या खा रहा है देख रहा है। कभी थोड़ा बहुत लेते किस बस ये लोग खाना वाना जैसे खीरे वगैरह खाते लेके, और कुछ नहीं करते दोनों। यहाँ पे सबको परेशानी करना है, देखो
तो यहाँ पे अभी सब एक एक करके खाना वाना खाएंगे। अभी दोनों बुआ भी बैठ गए और हम थोड़ा देर में ही खाएंगे, मतलब लास्ट में मैं खाऊंगी क्योंकि मुझे ज़्यादा भूख नहीं है। सुबह घर से मैं पराठा खा के आई थी, आलू का पराठा बनाई थी सुबह, तो वो खाया मैंने तो पेट भरा हुआ है, तो इसीलिए मैंने बोला कि मैं लास्ट में ही खाऊँगी। तो यहाँ पे जो है सबका खाना वाना अभी लंच चल रहा है और उसके बाद फिर हम घर आएंगे, मतलब लंच करके थोड़ा 2-3 घंटा रेस्ट करेंगे, उसके बाद ही घर आ जाएंगे सब लोग। तो मेरे ससुर सास अभी तक नहीं गए थे भाई के घर, तो आज ही गए हैं और उनको भी अभी कलकत्ता जाना है जल्दी, तो इसीलिए मेरे भाई ने इनवाइट किया। और कल फिर बहन के घर भी है इनवाइट, तो अभी मेरे ससुर जी भी थोड़ा ठीक है, तो इसीलिए सबके घर घूम रहे हैं यहाँ पे, मतलब आज भाई के घर, कल बहन के घर, सबके घर पे इनवाइट है। खाना वाना खा के फिर हम चले जाएंगे शाम को। यहाँ पे मेरी बहन सुजय मंडल लास्ट में आए, तो ये सब बैठ गए और जो है अभी हम बातें कर रहे हैं। यहाँ पे मेरे पापा बैठ के पान चबा रहे, आज सबको देख रहे कि कैसे सब खाना वाना खा रहे, ठीक ठाक से सबको सर्व किया जा रहा है या नहीं। पापा बीच बीच में देख रहे घूम घूम के। और यहाँ पे देखो जो है खाने का सारे आइटम है। अभी हम लास्ट में मैं और रीता रानी बैठ गए खाना खाने में और यहाँ पे हम लोग बातें बातें कर रहे, फिर सब अभी लंच वंस करके थोड़ा सा सब रेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे टूकी रानी बना रही है वीडियो ऐसे हमारा खाने का। लास्ट में खा रहे हम हाँ। और खाना खाने के बाद तो हमारा लंच के बाद दादी को अभी लिक्विड दिया जा रहा है पाइप के थ्रू, ये है नारियल पानी। तो दादी को ऐसे ही लंच के टाइम भी कुछ देते हैं लिक्विड वगैरह डाल, ये जो पाइप के थ्रू जा रहा है अभी नारियल पानी दे रहा है। सुबह भी ऐसे ही जो है सब्जी वगैरह सब बॉयल करके उसको पीस के लिक्विड बना के दिया जाता है, इस तरह से दिया जा रहा है। तो जो है मुँह से दादी खा नहीं पाती है, तो ऐसे पाइप के थ्रू भी खाना जा रहे, तो इस तरह से दादी का हाल अभी वैसे ही है, कुछ आराम नहीं है, तो इस तरह से ही चल रहा है अभी इनका। तो क्या करे, सेवा तो करना पड़ेगा। तो ये भाई और बहन दोनों मिलके अभी नारियल पानी पिला रहे दादी को इस तरह से। तो इसका भी मैंने थोड़ा सा क्लिप लिया आप लोगों को दिखाने के लिए कि दादी को किस तरह से खाना दिया जाता है, तो ऐसे ही दिया जाता है। तो अभी शाम के 4:30 बज गए हैं, अभी हम जा रहे हैं घर पे। यहाँ पे देखो मेरे ससुर सास अभी गाड़ी में बैठ रहे, तो गाड़ी एकदम घर के सामने ही लगा दिया था और अभी हम सब गाड़ी में बैठ के जाएंगे घर। और यहाँ पे मेरी बहन आ गई है टाटा बाई 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 सबको। दादी नारियल पानी पी लिया है, इस तरह से पीते हैं पाइप के थ्रू दादी को पिलाया जाता है जो भी है लिक्विड। तो हम लोग लंच तो कर चुके हैं, अभी दादी को भी कुछ खिलाना है, तो अभी नारियल पानी पिला दिया है ऐसे पाइप के थ्रू। वैसे सारे लिक्विड ही पीती है दादी, अभी तो कुछ सॉलिड नहीं खा सकते ना, तो मुंह से कुछ नहीं खा चबा सकती है अभी, बस सब लिक्विड के थ्रू पाइप के थ्रू ही जा रहा है। ये मच्छरदानी लगा दिया भाई ने ताकि मच्छर वस्तर ना काटे, दिन में भी मच्छरदानी में ही रहती है दादी। आपने तुम्हें जान तो अभी मैं जा रही हूँ घर पे। और देखो गाड़ी का हॉर्न बज रहा है, तो चलो चलते हैं, अभी घर पे जा रही हूँ मैं, अभी जा रही हूँ मैं। वो देखो गाड़ी चल रहा है, अभी जाते हैं, बैठती हूँ नहीं तो मुझे छोड़ के चले जाएंगे सब। चार बजे ही निकले थे और वहाँ पे लंच वंस करके अभी अभी घर पे आई हूँ। और जो है आज भाई के घर पे सबका इनवाइट था, कल शायद बहन के घर पे इनवाइट हो सकता है क्योंकि मेरे ससुर सास भी अब ज़्यादा दिन नहीं रुकेंगे, वो लोग भी अभी कोलकाता जाने वाले हैं कुछ दिनों में ही, तो इसीलिए बहन के घर पे भी कल शायद इनवाइट हो सकता है इनका। और इधर बुआ बुआ भी चले जाएंगे 1-2 दिन में, तो सबके अपने अपने फैमिली ही छोड़ के आए हैं, दोनों के छोटे छोटे पोते हैं दोनों बुआ के, तो इसीलिए वहाँ से बार बार फ़ोन आ रहा है कोलकाता से, उनके बहू के फ़ोन आ रहा है
जो बड़ी बुआ है ना उनके जो बहू है उसकी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो इनको जल्दी जल्दी जाना है, शायद एक दो दिन में चले जाएंगे। और मेरे ससुर सास भी अनूप के अंदर ही चले जाएंगे, तो इसीलिए अभी किसी के घर घूमने नहीं गए, ना भाई के घर ना बहन के घर। मेरे ससुर सास को ऐसे ही तबीयत ख़राब है, ससुर जी का भी तो ज़्यादा ही तबीयत ख़राब थे, तो दिल्ली आके कहीं नहीं गए, तो इसीलिए आज भाई के घर पे गए थे घूमने, और कल शायद बहन के घर पे जा सकते हैं। वो अलीपुर में ही है, तो बहन के घर वैसे थोड़ी सी दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो अभी तो भाई के घर सबका हो गया था, खाना वाना सब खाया वहाँ पे, और कल बहन के घर पे हम लोग खाने जाएंगे, तो कल खाने पे बुलाएंगे बहन। ऐसे ही आज हम रुके नहीं वहाँ पे, रुक मतलब भाई भाई सब कह रहे थे रुक जाने के लिए, तो मैं तो रुकी नहीं हूँ, आ गई घर। कल शायद रुक सकती हूँ, बहन के घर कल जाऊँगी तो कल रुकूँगी। तो चलो, बुआ लोग भी बहुत कह रहे थे कि रुक जा, आज उनके साथ एक दिन फिर हुआ, रुकती तो सब बातें बातें होते बहुत, तो नहीं रुकी तो शायद कल रुक जाऊंगी जाके। तो चलो, यहाँ पे देखो कितना पसीना आ रहा है, अगर फैन बंद करती हूँ ना बहुत ज़्यादा पसीना आता है यार, वीडियो में भर भर आवाज़ आता है जब फैन ऑन करती हूँ। तो चलो फ्रेंड, आज का ही छोटा सा ही ब्लॉग है जो आप लोगों के साथ शेयर किया है, ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा है तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, सब लोग अच्छे रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।